तरक्की सीएसओ द्वारा 18 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा एवं 2030 तक बाल विवाह समाप्त हो, इसके लिए राजनीतिक दलों से इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया गया है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा बाल विवाह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि शिक्षा और बाल विवाह के बीच विपरीत संबंध है। यह प्रमुख खोज जो बाल विवाह के खिलाफ देश की लड़ाई में गेम चेंजर बन सकता है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जो 160 गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है, रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत जो 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने और इस अपराध को समाप्त करने के लिए अंतिम बिंदु तक पहुंचने की राह पर है। अगर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वास्तविकता बन जाती है तो इसे और गति एवं दिशा मिल सकती है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सख्त रुख दिखा रही है। 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शामिल करने के लिए मौजूदा शिक्षा के अधिकार में ये एक संशोधन बाल विवाह को समाप्त करने की गति को तेज कर सकता है। रिपोर्ट के प्रमुख शोधकर्ता पुरजीत प्रहराज राज ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश भर के 160 गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है, जो बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले 300 से अधिक जिलों में सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक देश में इस सामाजिक अपराध को समाप्त करना है। पिछले 6 महीने में देश भर में काउंसलिंग के माध्यम से 50,000 बाल विवाह रोके गए हैं, जबकि लगभग 10,000 बाल विवाह पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। तरक्की संस्था के सचिव मिनहाजुल इकराम ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो बाल विवाह मुक्त भारत बनेगा और देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा।